इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। और मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ कि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 2021 जून में शिलान्यास करेंगे और उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी इसका उद्घाटन करेंगे। और रात ही उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक ट्वीट किया है गंगा एक्सप्रेसवे के भूमि अधिकरण को लेकर और भूमि को लेकर। वो ट्वीट क्या है वो मैं आपको डिस्प्ले पर आपकी दिखा रहा हूँ। उस डिस्प्ले पर में योगी आदित्यनाथ ऑफिस से ये ट्वीट हुआ है और योगी उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये किया है। उस ट्वीट में क्या लिखा है वो मैं आपको पहले पढ़कर सुना देता हूँ, उससे बाद में फिर बात करते हैं। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए परियोजना हेतु भूमि की व्यवस्था के लिए समाप्त कार्यवाही समयबद्ध ढंग से प्रामाणिकता पर सुनिश्चित की जाए। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इस ट्वीट में ये लिखा हुआ है कि गंगा एक्सप्रेसवे में भूमि अधिकरण जो होना है, किसानों का जो जमीन ली जानी है। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि काफ़ी जिलों के अंदर गजट जारी कर दिया गया है और अब नोटिस की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है। और कुछ जिलों के अंदर अभी, कुछ गांव के अंदर अभी गजट आना बाकी है और कुछ जिलों के अंदर जहां पर ये प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त लेखपालों के माध्यम से सहमति पत्र की प्रक्रिया प्रारंभ है और सहमति पत्र ख़त्म होते ही तुरंत नोटिस की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। उसके बाद में भूमि अधिकरण की प्रक्रिया, मतलब भूमि की बैनामे शुरू कर दिए जाएंगे। गवर्नमेंट जल्द से जल्द जून तक इस एक्सप्रेसवे के लिए, इस गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि की खरीदारी कर लेगी। उसके बाद में आपके जून के माह में इसका शिलान्यास किया जाना है और उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। और इस वक्त सभी जिलों के अंदर 12 के 12 जिले हैं इस गंगा एक्सप्रेसवे में और 12 के 12 जिले में इस वक्त भूमि स्तर से कार्रवाई चल रही है, कार्य प्रारंभ है। सभी जिलों के अंदर कंटिन्यू वर्क हो रहा है, ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां पर वर्क नहीं हो रहा है। यूपीडीए के अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं या मालवीय कंपनी के अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं या जो अधिकारी है, जो जिले के अधिकारी है, जिस जिले में होकर गुजर रहा है वहां पर जमीनी स्तर से सभी लोग कार्य में लगे हुए हैं। क्योंकि जून से पहले पहले इन्हें भूमि अधिकरण करनी है, बैनामे करने हैं भूमि का और उसके बाद में इसका शिलान्यास करने के लिए, क्योंकि 2021 में ही इसका निर्माण शुरू किया जाना है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी इस वक्त इस एक्सप्रेसवे पर नज़र रखे हुए हैं और इस वक्त सभी अधिकारियों से कंटिन्यू जल्द से जल्द इसमें प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए, इसका निर्माण शुरू करने के लिए इस वक्त तेजी से तेजी आदेश वो दे रहे हैं और सभी अधिकारी इस वक्त कार्य में लगे हुए हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत